गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का चैप्टर नंबर 2 द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहली आपको जो पहला चित्र दिया गया है उसके अंतर्गत हमें इस चित्र के अंदर ये झूला नज़र आ रहा है। ठीक है, झूला को हम संस्कृत में दोला कहते हैं। ठीक है, एषा का मतलब होता है यह है। तो देखिए, पहली लाइन है एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। फिर दोला कुत्र अस्ति, कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कहाँ। तो ये हमें सारा क्या दिख रहा है? गार्डन दिख रहा है, उपवन दिख रहा है, यानी कि गार्डन के अंदर, यानी कि दोला उपवने अस्ति, दोला झूला जो है वो बगीचे में है। ठीक है, इसको एक बार वापस देखेंगे। एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला उपवन में स्थित है। दोला कुत्र अस्ति यानी कि झूला कहाँ पर स्थित है, झूला उपवन में यानी कि बगीचे में स्थित है। अब सामने आपके एक घड़ी बनी हुई है, ये देखिए, ये घड़ी बनी हुई है। घड़ी को हम संस्कृत में घटिका कहते हैं, संस्कृत में हम घटिका कहते हैं घड़ी को। ठीक है, तो सा का, ये स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द परिचय 2 के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द आए हैं दोला, दूसरा है घटिका। सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी जो है वह क्या सूचित करती है? घड़ी है वह समय सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घटिका समयम सूचयति, घटिका हमें जो है समय दिखाती है। ठीक है, वापस देखेंगे। सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी जो है वो क्या सूचित करती है? घड़ी हमें समय दिखाती है। इसी प्रकार देखिए, ये जो दो है, दो गोरैया बनी हुई है, यानी कि चिड़िया भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो फिर हम इसके अंदर देखेंगे एते के, ये क्या है? किम एते कोकिले, क्या ये कोयल है? न एते चटके, नहीं यह चिड़िया अथवा गोरैया है। चटके किम कुरुत है, चिड़िया क्या कर रही है? एते विहरत है, यह घूम रही है, ये विहार कर रही है। ठीक है, वापस देखते हैं। एते के, ये क्या है? किम एते कोकिले, के या क्या ये कोयल है? न एते चिड़िये, नहीं ये दोनों चिड़िया है। अब जो भी ये एते आ जाता है तो यहाँ पर द्विवचन हो जाता है और यहाँ पर ये दो बनी हुई है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है दूसरे के अंतर्गत देखिए। ते के, ये क्या है? ते चालिके स्त, यह महिला चालक है। ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करने से इसमें महिला चालक दिखाई देंगी आपको। महिला चालक होती है यानी महिला ड्राइवर, इसमें महिला चालक है। ते किम कुरुत है, ये क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयत है, यह वाहन चला रही हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा, ये थालियाँ बनी हुई है, तीन थालियाँ बनी हुई है, ये तीनों थालियाँ बनी हुई है। एता का, यह क्या है? एता स्थालिका, यह थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या यह गोल है? आम, आम का मतलब होता है हाँ, हाँ एता गोलाकारा, यह गोलाकार है। फिर से देखिए एता का, यह क्या है? एता स्थालिका, यह थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या यह गोलाकार है? आम एता गोलाकारा, हाँ यह गोलाकार है। फिर देखिए दूसरा, दूसरे के अंतर्गत देखिए, कुछ बकरियाँ हैं, यह दो नहीं है, ये बहुत सारी है, इसीलिए इनके लिए हम लोग ता यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वह क्या है? ता अजा, वह बकरियाँ हैं। ता किम कुर्वन्ति, वह क्या कर रही हैं? ता चरंती, वह चर रही है। ठीक है, कुर्वन्ति का मतलब होता है क्या कर रही है, ये बहुवचन के अंतर्गत यूज़ होता है
और चरंति यह भी बहुवचन के अंतर्गत यूज होता है क्योंकि अजा है वह बहुत सारी बकरियां हैं, अर्थात ये बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो वापस देखेंगे ता का, यह क्या है, ता अजा यह बकरियां हैं, ता किम कुर्वंती यह क्या कर रही हैं, ता चरंती वह चर रही हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम एक बार इसके शब्दार्थ फिर से देख लेंगे। एशा, एशा का मतलब है यह, दोला, दोला का मतलब है झूला, कुत्र का मतलब है कहाँ, उपवने का मतलब होता है बगीचा गार्डन, घटिका का मतलब होता है घड़ी, सूचयति का मतलब होता है सूचित करती है बताती है, कोकिले दो कोयल, ठीक है, एते ये चटके दो गोरैया, गोरैया और चिड़िया, चिड़िया का ही एक रूप है गोरैया, ठीक है, कुरुतह का मतलब है करती है, विहरतह का मतलब फुदक रही है घूम रही है, ठीक है, बाली के दो महिला ड्राइवर सॉरी चाली के, चालियतः चलाती है, एता ये स्थालिका थालियाँ, आम यहाँ, एव ही अजाह बकरियाँ, चरंती चरती है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो ये कक्षा 6 की रुचिरा का जो द्वितीय अध्याय है शब्द परिचय 2, जिसके अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने शब्दार्थ और जो पाठ है उसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो इसी के अंदर इसका जो पार्ट फर्स्ट है वह कंप्लीट होता है और इसके अलावा जो इसका पार्ट द्वितीय है उसके अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।